दोस्तों, हम में से कौन नहीं चाहता कि हमारा भारत एक विकसित देश हो। आजादी के कई साल पहले से भी भारत को विकसित देखने का सपना ना जाने हमारी कितनी पीढ़ियों ने अपनी आंखों में संजोया था। देश के महान नेता आज भी इस सपने को निस्वार्थ भाव से, अपने प्रयत्नों से देश को समृद्ध बनाने और इस सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक, महान नेता, जनता के चहेते और पूर्व राष्ट्रपति, जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते थे, जिन्होंने भारत को विकसित देखने का सपना देखा था। भले ही आज वो हम सबके बीच ना हो, लेकिन भारत देश पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले, अपने महान वैज्ञानिक कार्यों और अपने उच्चतम विचारों के कारण वे सदैव हमारे दिलों में अमर रहेंगे। मैं बात कर रही हूं ऑनरेबल एपीजे अब्दुल कलाम की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं। आज हम जिस किताब के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उसका नाम है इग्नाइटेड माइंड्स, जिसे लिखा है ऑनरेबल एपीजे अब्दुल कलाम ने। इस किताब का मुख्य विषय है भारत के लोगों और खास तौर से भारत की युवा पीढ़ी को प्रेरणा देना। कलाम साहब का ये मानना था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उस राष्ट्र के रहने वाले लोगों से होती है। वहां के लोगों की सोच और समझ ही एक राष्ट्र को विकसित करने में मदद कर सकती है। उनका ये विश्वास था कि भारत का युवा वर्ग बहुत ताकतवर और काबिल है। इस वर्ग को अगर सही मार्गदर्शन मिले तो वे अपनी क्षमता और काबिलियत से अपने उद्देश्यों को आसानी से पूरा कर सकता है। कलाम साहब भारत को ईयर 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे और उसी सिलसिले में उन्होंने फैसला किया कि वे इस किताब इग्नाइटेड माइंड्स को लिखेंगे, ताकि वे भारत के युवाओं के मन में तेज पैदा कर सकें और उन्हें प्रेरित कर सकें। जब कलाम साहब इस किताब को लिख रहे थे तो उन्होंने भारत के अलग-अलग राज्यों की यात्रा की और उन यात्राओं के दौरान वे देश के हजारों बच्चों से, संत महात्माओं से, शिक्षकों से, वैज्ञानिकों से और नेताओं से मिले, जिन्होंने कलाम साहब को बहुत प्रेरित किया। उन्हें ये यकीन हो गया कि भारत के लोगों के पास अद्भुत ज्ञान का भंडार है और अपने उसी ज्ञान की रोशनी से वे भारत को एक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। इस किताब के माध्यम से वे अपने राष्ट्र के लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं कि राष्ट्र के लोगों ने जो एक अच्छे जीवन, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा का, अपने लक्ष्यों को पूरा करने का, एक सुखी और शांतिपूर्वक जीवन बिताने का जो सपना देखा है, वो संभव है। उनके मुताबिक हमारे पास राष्ट्रीय तौर पर वो सभी साधन उपलब्ध हैं जो भारत को एक विकसित देश बना सकता है। लेकिन आज भी हम एक विकसित देश क्यों नहीं हैं? हम अपने इतने महत्वपूर्ण लक्ष्य को अब तक क्यों नहीं पूरा कर पाए? अगर हमें इस लक्ष्य को पूरा करना है, तो हमें अपने अंदर क्या सुधार लाना चाहिए? इन सभी प्रश्नों के बारे में सोचते सोचते कलाम साहब को ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं हमारा दृष्टिकोण ही हमारी समस्या है और हमें उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। अपनी सीमित सोच से ऊपर उठ हमें अब एक नए तरीके से काम करना होगा। इस किताब में उन्होंने युवाओं को एक खूबसूरत संदेश दिया है कि हमारी समस्याओं का हल अब हमें खुद ढूंढना होगा। हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहना हमें ज्यादा आगे तक नहीं जाने देगा।
इस किताब में अपने मेधावी विचारों से वे युवाओं को प्रेरित करते हैं और उन्हें बताते हैं कि अगर हम लक्ष्यों पर विश्वास रखेंगे तो निश्चय ही हमारे सपने हकीकत में बदलने लग जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले अध्याय की तरफ और सुनते हैं ऑनरेबल एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई किताब इग्नाइटेड माइंड्स यानी तेजस्वी मन की ऑडियो बुक समरी को। स्वप्न और संदेश। दोस्तों, अपने जीवन में हर इंसान सपने देखता है, आप चाहे माने या ना माने, हम सब सपने देखते हैं। मैं उन सपनों की बात नहीं कर रही जो हम बंद आंखों से अपनी नींद में देखते हैं, मैं उन सपनों की बात कर रही हूँ जो हम सब खुली आंखों से अपने जीवन में अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए देखते हैं। ये सपने ही तो हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। कलाम साहब का भी यही मानना था कि हमारे सपने सच हो इसके लिए सपने देखना जरूरी है, क्योंकि हमारे इन्हीं सपनों से जुड़े होते हैं हमारे विचार जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, और यही विचार हमें हमारा कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। ये बात है 30 सितंबर 2001 की। उस दिन कलाम साहब हेलीकॉप्टर में कुछ पत्रकारों के साथ रांची से बोकारो एक कार्यक्रम में स्टूडेंट्स को एड्रेस करने जा रहे थे, लेकिन लैंडिंग से पहले ही हेलीकॉप्टर के इंजन में कुछ खराबी आने के कारण वो फेल हो गया और उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कुदरत का करिश्मा देखिए, इस दुर्घटना में किसी को भी ज्यादा चोट नहीं आई। अपने जीवन में कलाम साहब समय को बहुत महत्व देते थे, इसीलिए इतने बड़े आघात के बाद भी उन्होंने अपने कार्यक्रम में कोई तब्दीली नहीं करी और वे बोकारो में स्टूडेंट्स को एड्रेस करने चले गए। रात में जब वे उस कार्यक्रम से वापस लौटे तो डॉक्टरों ने दुर्घटना के आघात से उभरने के लिए कलाम साहब को ट्रैंकुलाइजर लेने का सुझाव दिया ताकि वे रात में अच्छे से सो पाएं। उन्हें नींद तो आ गई, लेकिन वे काफी बेचैन रहे और इसी बेचैनी में उनके मन में संपूर्ण मानव जाति के बारे में बहुत सारे विचार उत्पन्न होने लगे, जैसे ईश्वर की बनाई मानव जाति सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतनी हिंसा देखने को क्यों मिलती है। इसी बीच कलाम साहब ने अपने आप को चांदनी रात में रेगिस्तान के बीचों बीच इस धरती की 5 बेहतरीन और महान हस्तियों को वार्तालाप करते सुना। उनका ये अनुभव, जो किसी सपने से कई ज्यादा तीव्र अनुभूति लिए था, लेकिन कलाम साहब ने इसे सपना ही कहा और अपने उस सपने का वर्णन कुछ इस प्रकार किया। रात का समय था और आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। मीलों मील तक रेगिस्तान फैला हुआ था और उस चांदनी रात में पूरा रेगिस्तान चमचमा रहा था। उस रेगिस्तान में विश्व की 5 महान हस्तियां आपस में रही थी। वो 5 महान हस्तियां थी महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, सम्राट अशोक, अब्राहम लिंकन और खलीफा उमर। वे पांचों आपस में संपूर्ण मानव जाति को लेकर अपने अपने विचारों को व्यक्त कर रहे थे। सम्राट अशोक जो कलिंग का युद्ध जीत कर आए थे, लेकिन वे जीतने के बाद भी खुश नहीं थे। अपने घुटनों के बल आकर उन्होंने दुखी भाव से आसमान में उस चांद को देखा और फिर धरती पर उस चांदनी को देखा, जो खुद में ही एक ईश्वरीय कृपा थी। और फिर उन्होंने युद्ध का वो भयानक दृश्य देखा जो उन्होंने
खुद रचा था। उजली चांदनी में और जमीन पर बिखरे उस दुख दर्द से भरे क्षण में उन्हें ऐसे लगा कि प्रकृति उन्हें अपने उस खूबसूरत नजारे से और शांति से प्रेम और अहिंसा का संदेश दे रही थी। अपने वार्तालाप में वे पांचों महान हस्तियां ये भी कह रही थी कि ईश्वर ने उन सबको कुछ अद्भुत विशेषताएं दी हैं, जिसे उन्होंने अपने कर्मों से और प्रयासों से इस मानव जाति को दिया है। क्या ये मानव जाति उनकी दिखाई गई दिशा की तरफ बढ़ रही है, और क्या इस मानव जाति को धरती पर अपने उद्देश्य का एहसास है? उसी वार्तालाप में उन पांचों ने व्यक्त किया कि दिव्य सुंदरता सिर्फ बाहर तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इस सुंदरता को मनुष्य की आत्मा में प्रवेश करना चाहिए, जिससे मानव शरीर और उसके मस्तिष्क में भी उसका संचार हो। इस धरती पर रह रहे लोगों और राष्ट्रों के बीच में आपसी मतभेद है। कहीं ना कहीं सफलता पाने के लिए और ताकतवर बनने के लिए हमने अपने नैतिक मूल्यों को कहीं खो दिया है। इसी वार्तालाप में वे सभी अपने आप से पूछते हैं कि मानव चेतना की क्या भूमिका है? क्या इस मानव चेतना की राजनीतिक सोच, वैज्ञानिक सोच और धर्मशास्त्रीय सोच में कोई भूमिका है? अंत में महात्मा गांधी ने वार्तालाप खत्म होने से पहले ऋषि अष्टावक्र के विचारों को प्रस्तुत किया और कहा, ऋषि अष्टावक्र ने कहा था कि तुम एक चैतन्य शक्ति हो और तुम्हारे अंदर ही पूरे ब्रह्मांड की असीम शक्तियां हैं। ये ब्रह्मांड तुमसे अलग नहीं है और पूरी सृष्टि इसी का ही अंश है। जीवन एक संघर्ष नहीं है, बल्कि उसका मकसद समृद्धि और शांति होना चाहिए। और आखिर में उन पांच महान हस्तियों का पूरी धरती के लिए ये संदेश था कि हम जो कुछ भी करें, किसी भी सिद्धांत पर अमल करें, वो हमेशा मानव जाति के हित में ही होना चाहिए। वाह, कितना ही सही और अर्थपूर्ण सपना देखा था कलाम साहब ने। अगली सुबह जब कलाम साहब सोकर उठे तो चाय पीते पीते अपने साथ हुई उस हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बारे में सोचने लगे और फिर उस विचित्र सपने के बारे में। उन्हें लगा कि अगर वे इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी जिंदा हैं, तो वाकई इसके पीछे कोई मकसद है। कल रात के उनके सपने में उनके लिए जरूर कोई संदेश था, लेकिन इसके आगे अब वे क्या करें? कलाम साहब अपने इस सपने के बारे में सोचते रहे और साथ ही में इस दुनिया का इतिहास उनकी आंखों के सामने आने लगा कि कैसे अतीत में भी अच्छी ताकतों ने मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष किया था। हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां पर महान संतों और शिक्षकों ने अपने उच्च विचारों से हमें एक खुशहाल और धार्मिक जीवन जीना सिखाया, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी हिंसात्मक घटनाएं भी घटी हैं जिनकी वजह से हमें गहरा आघात लगा है, वो चाहे द्वितीय महायुद्ध हो या फिर 9/11 का आतंकी हमला। इन सब पर विराम कब लगेगा? क्या हम खुद का विनाश करने के लिए अभिशापित हैं? नहीं, अब हमें इन सब का स्थायी समाधान खोजना ही होगा। कलाम साहब के अंदर एक नया दृढ़ संकल्प उभर रहा था और उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने देश के बच्चों के साथ बातचीत करके उनके मन के विचार जानेंगे और उनसे मेलजोल बढ़ाएंगे। वे एक सामान्य स्तर से ऊपर उठकर उस चैतन्य शक्ति को खोजना चाहते थे जो हम सबके अंदर है, और उस परम बुद्धिमता से जुड़कर वे भारत का यथार्थ रूप भारत के बच्चों में तलाशना चाहते थे। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है और बढ़ते हैं हम अगले एपिसोड की तरफ।
राष्ट्र के विभिन्न चरण। दोस्तों, इस किताब में कलाम साहब ने डॉक्टर वेन डब्ल्यू डायर द्वारा लिखी गई किताब मैनिफेस्ट योर डेस्टिनी से एक बहुत ही दिलचस्प वर्गीकरण का जिक्र किया। किताब मैनिफेस्ट योर डेस्टिनी से एक बहुत ही दिलचस्प वर्गीकरण का जिक्र किया है कि मनुष्य अपने जीवन काल में विभिन्न चरणों से गुजरता है, जिसके नाम कुछ इस तरह हैं: खिलाड़ी का चरण, योद्धा का चरण, सत्ताधारी का चरण और महापुरुष चरण। कलाम साहब के मुताबिक राष्ट्र भी ऐसे चरणों से गुजरता है और इसी समानता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अंतिम दो चरणों को कुछ इस प्रकार नाम दिए हैं: बिग ब्रदर यानी बड़ा भाई और स्वानुभूति यानी सेल्फ रियलाइजेशन स्टेज। ये जरूरी नहीं कि ये चरण या स्टेजेस एक क्रम में हों। आइए कलाम साहब के मुताबिक इन चरणों को एक राष्ट्र के दृष्टिकोण से समझते हैं। कलाम साहब बताते हैं कि पहली अवस्था में यानी खिलाड़ी चरण में एक राष्ट्र जो हाल ही में स्वतंत्र हुआ होता है वो ऊर्जा से भरपूर होता है और अपनी उपलब्धियों को पूरा करने के लिए अपने आप को प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। इस अवस्था को पूरा करने के बाद राष्ट्र योद्धा चरण में प्रवेश करता है और अपनी उपलब्धियों पर गर्व करते हुए ये अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के तरीके खोजता है। इसी अवस्था में लोग अपने लक्ष्यों को पूरा करने में व्यस्त हो जाते हैं। दूसरे राष्ट्रों को ये बताना कि हम श्रेष्ठ हैं उस राज्य का विषय बन जाता है। अगली बड़ी अवस्था जिसको कलाम साहब ने बिग ब्रदर यानी बड़े भाई का नाम दिया है, इस चरण में राष्ट्र कुछ हद तक अपना अहंकार नियंत्रित कर लेता है और अपने अनुभवों और समझ से जागरूकता के साथ वो ये जानने की कोशिश करता है कि अन्य देशों और समाज के लिए क्या महत्वपूर्ण है। इस अवस्था में राष्ट्र जीतना तो चाहता है, लेकिन उस पर ये जुनून सवार नहीं होता कि वो सबसे शक्तिशाली है। उस राष्ट्र का मकसद दूसरे राष्ट्रों की मदद करना होता है। इससे अगला चरण एक राष्ट्र के लिए उच्चतम चरण है, जिसको कलाम साहब ने नाम दिया है सेल्फ रियलाइजेशन यानी स्वानुभूति। अपनी बुद्धिमता से ये राष्ट्र समझ चुका होता है कि ये पृथ्वी सबकी है और यहाँ पर रहने वाला हर मानव एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ है। और कलाम साहब का ये विश्वास है कि भारत के अंदर इस अवस्था को प्राप्त करने की असीम क्षमता है। कलाम साहब बताते हैं कि जब वे रॉकेट बना रहे थे तो उनका पूरा जीवन ही जैसे विभिन्न चरणों में बट गया था। जब वे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में काम कर रहे थे तो तब अपने पहले चरण में कलाम साहब ने अपनी टीम के साथ मिलकर सन 1980 में भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 लॉन्च किया था। अपने पहले चरण में उन्होंने बहुत कुछ सीखा और फिर औरों को भी सिखाया। कलाम साहब के दूसरे चरण की शुरुआत सन 1982 में हुई, जब वे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO में थे। इस दौरान भी अपनी टीम के साथ उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम किया और अपने करियर में उन्हें सफलताएं और असफलताएं दोनों मिली। जीवन में असफल होने पर अपने आप को संभाला जाए, उन्होंने ये इसी चरण में सीखा। अपने तीसरे चरण में कलाम साहब ने भारत को परमाणु शास्त्र संपन्न राष्ट्र बनाया और जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। हेलीकॉप्टर दुर्घटना ने कलाम साहब को ये एहसास कराया कि अब उन्हें तीसरे चरण का त्याग कर देना चाहिए और इसी वजह से वे माता अमृतानंदमयी माँ के आश्रम उनसे मिलने केरल गए और माँ अमृतानंदमयी ने उनका मार्गदर्शन करते हुए उन्हें नेताओं की एक नई पीढ़ी बनाने के लिए और साथ में शिक्षा और अध्यात्म के एकीकरण पर जोर देने को कहा। उसके बाद कलाम साहब ने प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपने अवकाश ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की और एक महीने के अंदर ही उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया,
इसी बीच वे बहुत से स्कूलों में और राज्यों में गए और उन्होंने 40,000 से भी ज्यादा छात्रों को संबोधित किया। कलाम साहब को उन बच्चों के साथ बातचीत करके ये एहसास हुआ कि उनकी कल्पना की उड़ानों में वे उनका साथ देकर उन्हें विज्ञान के प्रति प्रेरित कर सकते हैं और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के अभियान से उन्हें जोड़ सकते हैं। कलाम साहब अपने आप से पूछते हैं, क्या ये उनका चौथा चरण होगा और क्या वे इस चरण में सफल रहेंगे? उन्हें पता नहीं था कि वे सफल होंगे या नहीं, लेकिन उनका विश्वास था कि अगर हम कोई भी सपना देखते हैं तो उसे पूरा जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे सपनों में वो ताकत होती है जो हमारे दिलों में रहती है और सपने ही आध्यात्मिक और सांसारिक चीजों को एक साथ लाते हैं। सपने ही वो जरिया है जिनसे हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है और बढ़ते हैं हम अगले एपिसोड की तरफ। हमें हमारा आदर्श दो। दोस्तों, महात्मा गांधी जी के प्रेरणादायक शब्द थे कि इंसान अक्सर वही बनता है जो वो अपने बारे में सोचता है। यदि मैं सोचने लगूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं वाकई कुछ भी करने में असमर्थ रहूंगा, लेकिन जब मुझे ये विश्वास होगा कि मैं कर सकता हूं तो मुझ में वो काम करने की योग्यता भी आ जाएगी जो शुरू में मेरे पास नहीं थी। वाकई हमारी सोच पर ही हमारा पूरा जीवन टिका हुआ है। दोस्तों, कलाम साहब ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखे थे और जिस मुकाम पर वे खड़े थे वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी लंबा सफर तय किया था। उनका ये सफर, उनकी जिज्ञासा, नीले आसमान में उनके उड़ने की इच्छा सब रामेश्वरम द्वीप से शुरू हुई थी, जब उनके शिक्षक पूरी कक्षा को रामेश्वरम द्वीप ले गए थे और उन सबको नीले आसमान में उड़ते परिंदों के बारे में समझाया था कि वे कैसे उड़ते हैं और कैसे वे अपनी दिशा बदलते हैं। उनके शिक्षक के उस एक लेक्चर ने कलाम साहब की जिंदगी बदल दी और जीवन में उन्हें अपना लक्ष्य मिल गया। कलाम साहब बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने बताया कि अपने जीवन में हम सब ईश्वर की दी गई चीजों को पाने का हक रखते हैं और जब तक हमारे देश के विद्यार्थियों और युवाओं को ये विश्वास नहीं होगा कि वे एक विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे दार और ज्ञानवान नागरिक कैसे बन सकते हैं? वे आगे बताते हैं कि विकसित देशों की समृद्धि का क्या रहस्य है। कुछ खास नहीं, बस इतना कि वहां के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी ये विश्वास रखा कि उन्हें एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र में एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है, इसीलिए सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। कलाम साहब एक न्यूनतम जीवन यानी एक मिनिमलिस्ट की लाइफ जीते थे और उन्होंने ये कभी भी नहीं कहा कि हमें मटेरियलिस्टिक थिंग्स यानी भौतिक वस्तुओं की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वे अबंडेंस यानी समृद्धि की खुद भी बहुत कद्र करते थे और उनका ये विश्वास था कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक इंसान जब समृद्ध होता है तो उसका विश्वास बढ़ता है और वे सुरक्षित महसूस करता है। कलाम साहब बताते हैं कि न्यूनतम तरीके से जीने में कोई हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी जी ने भी तो ऐसा जीवन जिया था। ये तो हमारी पसंद पर निर्भर करता है कि हम कैसी जीवन शैली जीना चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती चीजों का त्याग कर देना और फिर उस जीवन को जीना एक अलग बात हो जाती है।
कलाम साहब हमारे देश के युवाओं से मिलकर उनके सपनों के बारे में जानना चाहते थे और उन्हें बताना चाहते थे कि खूबसूरत और समृद्ध जीवन के सपने देखना और उन सपनों को काम करके साकार करना बिल्कुल सही है। लेकिन हम जो कुछ भी करें वो हमें जबरदस्ती या आधे अधूरे मन से नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने दिल दिमाग को केंद्रित कर उस काम को करने की चाहत हमारी आत्मा से आनी चाहिए, तभी हम खुश रह सकेंगे और वही खुशी और प्यार हम अपने आसपास औरों को भी दे पाएंगे। कलाम साहब की पहली बैठक त्रिपुरा के हाई स्कूल में आयोजित हुई और वहां पर 500 से भी ज्यादा छात्र थे और भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए कलाम साहब के विचार सुनने के बाद छात्रों ने उनसे कई सवाल पूछे। वैसे तो कलाम साहब से छात्रों ने बहुत से सवाल पूछे, लेकिन यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों का ही जिक्र कर रहे हैं। पहला सवाल था, हम अपना आदर्श कहाँ से चुने और हमें अपना आदर्श कैसे मिल सकता है? इस पर कलाम साहब ने जवाब दिया, बचपन से ही जीवन के अलग अलग चरणों में हम अपने आदर्श बनाते रहते हैं। उन्होंने बच्चों को समझाते हुए कहा कि 15 साल तक अपने सर्वोत्तम आदर्श आपके पिता युवाओं से मिलकर उनके सपनों के बारे में जानना चाहते थे और उन्हें बताना चाहते थे और समृद्ध जीवन के सपने देखना और उन सपनों को काम करके साकार करना बिल्कुल सही है। लेकिन हम जो कुछ भी करें वो हमें जबरदस्ती या आधे अधूरे मन से नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने दिल दिमाग को केंद्रित कर उस काम को करने की चाहत हमारी आत्मा से आनी चाहिए, तभी हम खुश रह सकेंगे और वही खुशी और प्यार हम आसपास औरों को भी दे पाएंगे। कलाम साहब की पहली बैठक त्रिपुरा के हाई स्कूल में आयोजित हुई और वहां पर 500 से भी ज्यादा छात्र थे और भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए कलाम साहब के विचार सुनने के बाद छात्रों ने उनसे कई सवाल पूछे। वैसे तो कलाम साहब से छात्रों ने बहुत से सवाल पूछे, लेकिन यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों का ही जिक्र कर रहे हैं। पहला सवाल था, हम अपना आदर्श कहाँ से चुने और हमें अपना आदर्श कैसे मिल सकता है? इस पर कलाम साहब ने जवाब दिया, बचपन से ही जीवन के अलग अलग चरणों में हम अपने आदर्श बनाते रहते हैं। उन्होंने बच्चों को समझाते हुए कहा कि 15 साल तक अपने सर्वोत्तम आदर्श आपके पिता या माता अथवा आपके अध्यापक हो सकते हैं, क्योंकि उस अवधि में ये ही वो लोग हैं जो आपका अच्छे से मार्ग दर्शन कर सकते हैं। उन्होंने वहां उपस्थित शिक्षकों और माता पिता को कहा कि उन पर वाकई बच्चों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कलाम साहब के खुद के जीवन में भी उनके माता पिता और उनके शिक्षकों का उनकी परवरिश में बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने उस बैठक में ये भी संदेश दिया कि अगर माता पिता और अध्यापक युवाओं का जीवन संवारने के लिए आवश्यक समर्पण की भावना रखें, तो भारत को एक नया जीवन मिल सकता है। शिक्षा तथा अध्यापक छात्र संबंध को व्यापारी दृष्टि से देखने की बजाय राष्ट्र के विकास को ध्यान में रखकर देखना होगा।
ये वो गुण है जो हमारे अंतर्मन से आना चाहिए। वहीं पर उपस्थित एक लड़की ने उनसे सवाल पूछा कि आतंकवादी कौन होते हैं। हम हर रोज इनके बारे में अखबारों में पढ़ते हैं और अपने माँ बाप को भी इस विषय पर बात करते सुनते हैं। क्या ये हमारे ही देश के लोग हैं? इस सवाल ने कलाम साहब को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि वे खुद इस सवाल का जवाब तलाश रहे थे। वहां उपस्थित लोगों को जवाब देने से पहले कलाम साहब ने वहां बैठे सब लोगों की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ देखा और फिर बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, बच्चों, हमारे महान महाकाव्य रामायण में भगवान राम और राक्षस रावण में एक लंबा युद्ध चला था, लेकिन अंत में जीत भगवान राम की यानी अच्छाई की हुई थी और महाभारत में भी जीत धर्म की हुई थी। बच्चों, संसार में युद्ध तो बहुत हुए हैं, लेकिन अंत में जीत शांति की ही होती है। मुझे ऐसा लगता है अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि किस तरह आध्यात्मिक विकास के जरिए इस बुराई को कम से कम किया जाए। जिज्ञासु छात्रों को मिलने जब कलाम साहब असम तेजपुर पहुंचे तो वहां तेजपुर विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में कलाम साहब के भाषण देने के बाद एक बच्चे ने उनसे बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी, जिसमें ज्यादातर बाढ़ आई रहती है, वहां से राजस्थान और तमिलनाडु जैसे पानी की कमी वाले राज्यों को क्यों नहीं दिया जा सकता। उस बच्चे ने बड़ा ही जबरदस्त सवाल पूछा था और जिसे सुनकर कलाम साहब अवाक रह गए। वो सोचने लगे कि वाकई बच्चों को ही ऐसे विचार आ सकते हैं, बड़े असंभावनाएं ज्यादा देखते हैं। कलाम साहब को तो पता था कि नदियां राज्यों का विषय है और हमारे राज्य अपने अपने नदी जल को लेकर हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। भविष्य में ये नदियां शायद इन राष्ट्रों को समृद्ध बात हो जाती है। कलाम साहब हमारे देश के युवाओं से मिलकर उनके सपनों के बारे में जानना चाहते थे और उन्हें बताना चाहते थे और समृद्ध जीवन के सपने देखना और उन सपनों को काम करके साकार करना बिल्कुल सही है, लेकिन हम जो कुछ भी करें वो हमें जबरदस्ती या आधे अधूरे मन से नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने दिल दिमाग को केंद्रित कर उस काम को करने की चाहत हमारी आत्मा से आनी चाहिए। तभी हम खुश रह सकेंगे और वही खुशी और प्यार हम अपने आसपास औरों को भी दे पाएंगे। कलाम साहब की पहली बैठक त्रिपुरा के हाई स्कूल में आयोजित हुई और वहां पर 500 से भी ज्यादा छात्र थे और भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए कलाम साहब के विचार सुनने के बाद छात्रों ने उनसे कई सवाल पूछे। वैसे तो कलाम साहब से छात्रों ने बहुत से सवाल पूछे, लेकिन यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों का ही जिक्र कर रहे हैं। पहला सवाल था, हम अपना आदर्श कहाँ से चुने और हमें अपना आदर्श कैसे मिल सकता है? इस पर कलाम साहब ने जवाब दिया, बचपन से ही जीवन के अलग अलग चरणों में हम अपने आदर्श बनाते रहते हैं। उन्होंने बच्चों को समझाते हुए कहा कि 15 साल तक अपने सर्वोत्तम आदर्श आपके पिता या माता अथवा आपके अध्यापक हो सकते हैं, क्योंकि उस अवधि में ये ही वो लोग हैं जो आपका अच्छे से मार्गदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने वहां उपस्थित शिक्षकों और माता पिता को कहा कि उन पर वाकई बच्चों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कलाम साहब के खुद के जीवन में भी उनके माता पिता और उनके शिक्षकों का उनकी परवरिश में बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने उस बैठक में ये भी संदेश दिया कि अगर माता पिता और अध्यापक युवाओं का जीवन संवारने के लिए आवश्यक समर्पण की भावना रखें, तो भारत को एक नया जीवन मिल सकता है। शिक्षा तथा अध्यापक छात्र संबंध को व्यापारी दृष्टि से देखने की बजाय राष्ट्र के विकास को ध्यान में रखकर देखना होगा। ये वो गुण है जो हमारे अंतर्मन से आना चाहिए।
वहीं पर उपस्थित एक लड़की ने उनसे सवाल पूछा कि आतंकवादी कौन होते हैं। हम हर रोज इनके बारे में अखबारों में पढ़ते हैं और अपने माँ बाप को भी इस विषय पर बात करते सुनते हैं। क्या ये हमारे ही देश के लोग हैं? इस सवाल ने कलाम साहब को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि वे खुद इस सवाल का जवाब तलाश रहे थे। वहां उपस्थित लोगों को जवाब देने से पहले कलाम साहब ने वहां बैठे सब लोगों की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ देखा और फिर बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, बच्चों, हमारे महान महाकाव्य रामायण में भगवान राम और राक्षस रावण में एक लंबा युद्ध चला था, लेकिन अंत में जीत भगवान राम की यानी अच्छाई की हुई थी और महाभारत में भी जीत धर्म की हुई थी। बच्चों, संसार में युद्ध तो बहुत हुए हैं, लेकिन अंत में जीत शांति की ही होती है। मुझे ऐसा लगता है अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि किस तरह आध्यात्मिक विकास के जरिए इस बुराई को कम से कम किया जाए। जिज्ञासु छात्रों को मिलने जब कलाम साहब असम तेजपुर पहुंचे तो वहां तेजपुर विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में कलाम साहब के भाषण देने के बाद एक बच्चे ने उनसे बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी, जिसमें ज्यादातर बाढ़ आई रहती है, वहां से राजस्थान और तमिलनाडु जैसे पानी की कमी वाले राज्यों को क्यों नहीं दिया जा सकता। उस बच्चे ने बड़ा ही जबरदस्त सवाल पूछा था और जिसे सुनकर कलाम साहब अवाक रह गए। वो सोचने लगे कि वाकई बच्चों को ही ऐसे विचार आ सकते हैं, बड़े असंभावनाएं ज्यादा देखते हैं। कलाम साहब को तो पता था कि नदियां राज्यों का विषय है और हमारे राज्य अपने अपने नदी जल को लेकर हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। भविष्य में ये नदियां शायद इन राष्ट्रों को समृद्ध बना दे, लेकिन वर्तमान में इन नदियों का पानी समुद्र में गिरकर बर्बाद हो रहा है। लेकिन ये बात वो उस बच्चे को कैसे समझाएं? इस पर कलाम साहब ने उस बच्चे को उत्तर दिया कि मेरा ये मानना है, युवाओं की सोच ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इंडिया विजन 2020 में युवाओं से ये अपेक्षा की गई है कि वे विभिन्न राज्यों की नदियों को आपस में जोड़ने का महान अभियान शुरू करें। युवाओं की यही सोच एक दिन अफसरशाही की नकारात्मकता तथा कुछ राज्यों की स्वार्थपरक नीतियों को पछाड़कर देशवासियों को समृद्ध बना सकती है। एक अन्य छात्र ने बहुत अहम सवाल पूछा, जिसका जवाब कलाम साहब चाहकर भी नहीं दे सकते थे। उसने पूछा कि किसी भी बड़े क्षेत्र के नेता हमसे बात करने क्यों नहीं आते। अक्सर हम टीवी पर देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी अन्य जगह जाते हैं, लेकिन वे कभी हमसे बात करने यहाँ क्यों नहीं आते? देश के नेताओं के साथ संवाद कायम करने की उन बच्चों की इच्छा को देखकर कलाम साहब बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बच्चों से कहा कि वे जब दिल्ली जाएंगे तो उनके विचारों को नेताओं से जरूर व्यक्त करेंगे और फिर उन बच्चों के सपने जरूर पूरे होंगे। इस किताब के माध्यम से कलाम साहब ने विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं से अनुरोध भी किया है कि अपने जीवन के उद्देश्यों को समझने के लिए तथा बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए नेताओं को उनके साथ मेलजोल बढ़ाना चाहिए। इस दौरान कलाम साहब ने अलग अलग जगह यात्रा करी और वे बच्चों से मिले और अपने वार्तालाप के दौरान कुछ महत्वपूर्ण संदेश उन्होंने बच्चों को दिए और कुछ बच्चों ने उन्हें दिए। जैसे जब वे गुजरात आनंद में स्कूली बच्चों को संबोधित कर रहे थे तो एक बहुत ही होशियार बच्चे ने उनसे ये सवाल पूछा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। कलाम साहब को ये सवाल बहुत पसंद आया और उन्होंने उस सवाल का जवाब बच्चों से ही मांगा। तब 12वीं कक्षा की एक बच्ची ने जवाब दिया कि गरीबी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। कितना सही और सटीक जवाब दिया इस बच्ची ने। एक और अहम सवाल जो इसी दौरान कलाम साहब के समक्ष आया वो था,
कि उनकी पसंदीदा पुस्तकें कौन सी हैं जिन्होंने उनकी सोच को विकसित किया है। इस पर कलाम साहब ने बताया कि चार ऐसी पुस्तकें हैं जो उनके दिल के काफी करीब रही और जिन्हें पढ़ना वे काफी पसंद करते हैं। पहली पुस्तक है नोबल पुरस्कार विजेता एवं दार्शनिक डॉक्टर एलेक्सिस कैरल की लिखी मैन द अननोन, और इस पुस्तक में इस बात पर जोर दिया गया है कि मस्तिष्क एवं शरीर दोनों का इलाज एक साथ कैसे करना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कलाम साहब ने बताया कि ये पुस्तक खास तौर से उन बच्चों को पढ़नी चाहिए जो डॉक्टर बनने की इच्छा रखते हैं। दूसरी पुस्तक जिसका जिक्र कलाम साहब ने किया है उसका नाम है तिरुवल्लुवर की तिरुक्कुरल। ये किताब जीवन के श्रेष्ठ नियमों का संग्रह है। उनकी तीसरी पसंदीदा किताब है लिलियन आइशलर वॉटसन की लाइट्स फ्रॉम मैनी लैम्प्स, जो पिछले 50 सालों से कलाम साहब का मार्गदर्शन कर रही है। और चौथी है पवित्र कुरान, जो इस जीवन में उनका साथ हमेशा से देती आ रही है। दोस्तों, इस दौरान कलाम साहब 50,000 स्कूली बच्चों से मिले और उनसे हजारों सवाल पूछे गए। इन सवालों से एक बात सामने आई कि बच्चे वाकई कितने मासूम होते हैं और एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र में रहने की उनकी कितनी अधिक इच्छा है। कलाम साहब बताते हैं कि बच्चों के लिए आदर्शों का यानी रोल मॉडल्स का होना कितना जरूरी है। हमारे आदर्श उस कार्य पर ही केंद्रित रहने में हमारी मदद कर सकते हैं जो बतौर व्यक्ति, समूह अथवा एक देश के रूप में हमारे लिए उचित है। हमारे आदर्श हमें बड़ी से बड़ी सफलताओं तक पहुंचा सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमें काफी सफलता मिली है, लेकिन वास्तव में जो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं है। हमारा प्राचीन भारत ज्ञान से भरपूर था और कई बौद्धिक अभियानों, विशेषकर गणित, चिकित्सा और खगोल विद्या के क्षेत्र में उसने विश्व का नेतृत्व भी किया है। अब समय आ गया है कि हम एक बार फिर ज्ञान के क्षेत्र में परम शक्ति बनकर उभरें। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है और बढ़ते हैं हम अगले एपिसोड की तरफ। दूरदर्शी शिक्षक और वैज्ञानिक। जर्मन पोएट गोथे का एक खूबसूरत कोट है कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं या आप जो भी सपना देख सकते हैं उस काम को करना या सपने को देखना शुरू कीजिए। बहादुरी में ही बौद्धिक कौशल, ताकत और जादू होता है, उसकी शुरुआत अभी से करें। दोस्तों, हम सब ने ये देखा भी है और सदियों से ये सुनते भी आ रहे हैं कि देश की प्रगति के लिए देशवासियों को एक होकर सोचना पड़ता है। ऐसा ही कलाम साहब का मानना था कि देश के महान लोगों के लिए सबसे पहले उनका देश आता था। उनकी सोच सबसे अलग और कुछ हटकर होती थी। ये महान लोग सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए अपनी योग्यता से हजारों लोगों को अपने साथ जोड़ लेते थे। इस अध्याय में कलाम साहब ने ऐसे ही कुछ महान लोगों का जिक्र किया है जो दूरदर्शी थे, कुछ भी कर सकते हैं या आप जो भी सपना देख सकते हैं उस काम को करना या सपने को देखना शुरू कीजिए। बहादुरी में ही बौद्धिक कौशल, ताकत और जादू होता है, उसकी शुरुआत अभी से करें। दोस्तों, हम सब ने ये देखा भी है और सदियों से ये सुनते भी आ रहे हैं कि देश की प्रगति के लिए देशवासियों को एक होकर सोचना पड़ता है। ऐसा ही कलाम साहब का मानना था कि देश के महान लोगों के लिए सबसे पहले उनका देश आता था। उनकी सोच सबसे अलग और कुछ हटकर होती थी। ये महान लोग सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए अपनी योग्यता से हजारों लोगों को अपने साथ जोड़ लेते थे। इस अध्याय में कलाम साहब ने ऐसे ही कुछ महान लोगों का जिक्र किया है जो दूरदर्शी थे और अपनी दूरदर्शिता से उन्होंने हमेशा देश के हित के लिए काम किया।
सन 1954 में कलाम साहब ने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से साइंस में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। उस समय कॉलेज में उनके एक शिक्षक थे जो बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स को गणित पढ़ाते थे। उनका नाम था टी तोतादरी अयंगर। जब वे चलते थे तो ऐसा लगता था कि ज्ञान की किरणें उनके चारों ओर फैली हों। सन 1952 में प्रोफेसर तोतादरी अयंगर जी ने भारत के प्राचीन मैथमेटिशियंस यानी गणितज्ञों और एस्ट्रोनॉमर्स यानी खगोलविदों पर लेक्चर दिया था, जिसमें कलाम साहब भी मौजूद थे। उसी लेक्चर के दौरान कलाम साहब को देश के प्राचीन गणितज्ञों के बारे में कुछ झलकियां मिली, जिसका वर्णन आगे किया गया है। कलाम साहब ने बताया कि आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य तीनों ही भारत के महान गणितज्ञ और खगोलविद थे। तीनों ही के पास संपूर्ण ज्ञान का खजाना था और अपने अपने तरीके से उन्होंने अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और एस्ट्रोनॉमी जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्रीनिवास रामानुजन जी को याद करते हुए कलाम साहब ने कहा कि वे एक जीनियस मैथमेटिशियन थे। उनके पास कोई भी फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा नहीं थी और ना ही रोजी रोटी कमाने का कोई साधन था, लेकिन अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से और गणित विषय के प्रति उनके लगाव के चलते उन्होंने गणित संबंधी शोध में काफ़ी योगदान दिया और उनके कई कार्यों पर तो अब भी गहन अध्ययन जारी है। कलाम साहब हमारे वैज्ञानिकों को संदेश देते हैं कि वे स्कूलों में ऐसे ही जीनियस रामानुजन की तलाश क्यों नहीं करते। कलाम साहब ने यह भी कहा कि आने वाले समय में प्रख्यात शिक्षक गणित के युवा छात्रों को पढ़ाने और प्रेरित करने में भी अपना अतुलनीय और महान कार्य जारी रखेंगे, ताकि इस क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा के झंडे गाड़े जा सके। कलाम साहब ने नोबेल प्राइज विनर सर सीवी रमन का भी जिक्र किया, जिनके भीतर के वैज्ञानिक ने उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया। इनफैक्ट रमन इफेक्ट की खोज, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, वो किसी बड़े या भारी खर्च से तैयार या किसी विशाल संस्थान में नहीं की गई थी, बल्कि संपूर्ण विश्व को भारतीय मेधा का लोहा मनवाने की चाहत ही सर सीवी रमन की प्रेरणा रही थी। कलाम साहब ने बताया कि अगर गौर से देखा जाए तो स्वतंत्रता आंदोलन ने हर क्षेत्र में, जैसे आर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और लिटरेचर ने उत्तम नेताओं को जन्म दिया है जो विश्व की श्रेष्ठ प्रतिभाओं की टक्कर के रहे हैं। अगर हाल ही के वर्षों की बात करते हैं तो कलाम साहब बताते हैं कि कुछ महान और विजनरी यानी दूरदृष्टि प्राप्त हुए वैज्ञानिक भी उभर कर आए हैं, जिनसे कलाम साहब अपने जीवन में बहुत प्रभावित हुए थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने सर सीवी रमन के साथ भी काम किया था, उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया था और उसके निर्देशक भी थे। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहलाए जाने वाले डॉक्टर साराभाई की दूरदर्शिता से इसरो की स्थापना हुई थी। कलाम साहब जब रॉकेट सिस्टम्स पर काम कर रहे थे तो डॉक्टर साराभाई के नेतृत्व में उनको एक अलग ही ऊर्जा मिलती थी। डॉक्टर साराभाई का कहना था, यदि हम राष्ट्र के निर्माण में अर्थपूर्ण योगदान देते हैं तो एडवांस तकनीक का विकास कर हम समाज की परेशानियों का समाधान भी निकाल सकते हैं। डॉक्टर साराभाई ने शुरुआती चरणों में कलाम साहब की प्रतिभाओं को निखारने में अहम भूमिका निभाई थी और कलाम साहब को मिसाइल मैन बनाने वाले भी डॉक्टर साराभाई ही थे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत इसरो की स्थापना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। दुर्भाग्यवश सन 1971 में डॉक्टर साराभाई का निधन हो गया और भारत को लेकर जो डॉक्टर साराभाई ने सपना देखा था, उसे हकीकत में बदला डॉक्टर सतीश धवन ने। और सन 1972 में इसरो का काम संभालने के बाद
प्रोफेसर धवन ने संगठन के स्पेस प्रोग्राम्स की विस्तृत रूपरेखा तैयार की और उन्हीं की बदौलत रिमोट सेंसिंग और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के मामले में हमें महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुईं। कलाम साहब बताते हैं कि जब वे प्रोजेक्ट लीडर थे तो अपने करियर में उन्होंने प्रोफेसर धवन से बहुत कुछ सीखा, जैसे किसी भी प्रोजेक्ट की सफलता के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसकी सफलता की जिम्मेदार होती है, यहाँ तक कि इसरो का चेयरमैन भी। एक प्रोजेक्ट लीडर को अपना पूरा ध्यान उस प्रोजेक्ट पर केंद्रित करना चाहिए और उस प्रोजेक्ट को अपने आप से बड़ा और महत्वपूर्ण समझना चाहिए, तभी वो प्रोजेक्ट सफल होता है, नहीं तो वो प्रोजेक्ट, वो प्लान, यहाँ तक कि पूरी संस्था सफलता की तरफ नहीं बढ़ सकती। कलाम साहब ने अपने करियर में सिर्फ प्रोफेसर धवन से ही नहीं बल्कि अपने सीनियर से भी बहुत महत्वपूर्ण लीडरशिप लेसन सीखे और एक लीडर जब सबको साथ लेकर चलता है तो सभी के सहयोग से वो प्रोजेक्ट सफल बनता है और वो संस्था बड़ी बनती है। कलाम साहब ने जब DRDO ज्वाइन किया था और वहां पर जब वे मिसाइल्स डिजाइन करते थे तो उन्होंने अनुभव किया कि किसी भी डेवलपमेंट प्रोग्राम में टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हमें उन कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। अपने अनुभवों से उन्होंने ये भी बताया कि भारत के पास इस क्षेत्र में सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी डेवलप करने की क्षमता है। इस अध्याय में कलाम साहब ने डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा लिखी किताब एन अनफिनिश्ड ड्रीम के बारे में जिक्र किया है। डॉक्टर वर्गीस, जो मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे और जिनका डेयरी फार्मिंग में काफी बड़ा योगदान रहा, वे डेयरी बिजनेस को काफी ऊंचाइयों पर लेकर गए। नतीजन दूध के क्षेत्रों में भारत अग्रणी देशों में है। जब कलाम साहब उनसे मिलने गए तो उन्होंने पूछा कि उनके अनुसार हमारे देश को विकास की राह पर अग्रसर करने का निश्चित तरीका क्या है। इस पर डॉक्टर वर्गीस ने बड़ा ही प्रेरणादायक जवाब दिया कि आपको हमारे युवा पेशेवरों को तथा देश के किसानों के रूप में उपलब्ध संसाधनों के बूते पर इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम उनको शामिल करते हैं तो हमारी सफलता निश्चित है। उनकी भागीदारी होने पर हम कभी असफल नहीं होंगे। वाकई कितना खूबसूरत और महत्वपूर्ण जवाब दिया था डॉक्टर वर्गीस ने। कलाम साहब कहते थे कि दूरदृष्टि यानी विजन हमारे दिमाग को प्रज्वलित करती है। भारत को JRD टाटा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन जैसे सरीखे दूरदर्शियों की जरूरत है, जो मिशन ड्रिवन प्रोग्राम्स में पूरी पीढ़ी को शामिल कर संपूर्ण देश के लिए काम किया करते थे। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है और बढ़ते हैं हम अगले एपिसोड की तरफ। सत्संग की शक्ति। दोस्तों, कलाम साहब ने समझाया है कि किसी भी समाज की समृद्धि के लिए दो बातें बहुत अहम हैं। पहली, वेल्थ जनरेशन, यानी जब कोई एक पीढ़ी अपना धन संपत्ति अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंप देती है और आने वाली पीढ़ी उसे अच्छे से इस्तेमाल कर आगे बढ़ती है। दूसरी, लोगों के वैल्यू सिस्टम्स यानी नैतिक मूल्य अवस्था को बनाए रखना। इन दोनों का मेल ही राष्ट्र को मजबूत और समृद्ध बनाता है। आइए इस बात को विज्ञान की दृष्टि से समझते हैं। कलाम साहब ने इस अध्याय में बताया है कि बचपन में जब आइंस्टाइन ने पहली बार कंपास यानी दिशा सूचक को देखा था तो वह ये देखकर हैरान हो गए थे कि जब वह कंपास की सुई को हिलाते थे तो सुई अपनी दिशा बदल लिया करती थी। जब भी वे उस सुई को देखते तो उनकी उत्सुकता बढ़ती जाती।
वे उस अदृश्य ताकत को समझने की कोशिश करते रहते जो सुई को हिलाती थी। उनके दिमाग में बहुत से प्रश्न आने लगे, जैसे उस सुई को कौन नियंत्रित कर रहा है, वो कहाँ है और वो कैसे काम करता है। हम सब अब ये जानते हैं कि पृथ्वी के उत्तर दक्षिण ध्रुवों पर नॉर्थ साउथ एक्सिस मौजूद छोटी सी चुंबक ही कंपास की सुई को हिलाती है। लेकिन क्या ये सच सिर्फ यहीं तक सीमित है या इससे आगे भी कुछ है? कलाम साहब समझाते हैं कि हमारे पृथ्वी ग्रह पर हर जगह हम चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव तो महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस पृथ्वी ग्रह पर हर जगह उसके होने के बावजूद हम उसे देख नहीं पाते। लेकिन तर्क ये कहता है कि वो हमारे भीतर भी है। हमारा पृथ्वी ग्रह अंतरिक्ष में घूमते हुए हर वक्त गतिशील रहता है। हमें देखने में लगता है कि हम स्थिर हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस ग्रह पर मौजूद हर वस्तु इस गतिशीलता का अंग है। हम इस ग्रह पर हैं और इस प्रकार हम उस ऊर्जा का हिस्सा हैं जो इसे गतिशील बनाता है, अर्थात वो ऊर्जा जो इस ग्रह का मूल तत्व है हमारे भीतर भी मौजूद है। डॉक्टर वेन डायर का तर्क है कि इस यूनिवर्सल एनर्जी यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बलबूते पर हम हर वो वस्तु पा सकते हैं जिसकी हम इच्छा रखते हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है कि विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे के विरुद्ध हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों ही अपने अपने तरीके से सत्य की खोज करना चाहते हैं और प्रकृति को जानना चाहते हैं। कलाम साहब को भी ऐसा एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं विज्ञान और आध्यात्म एक जगह पर आकर मिल रहे हैं और इससे जुड़े कई विचार उनके मन में उत्पन्न होने लगे और कई सारे विषयों के बारे में जिनमें उनकी दिलचस्पी थी वे जानने के लिए उत्सुक होने लगे। उनकी यही खोज उन्हें साधु संतों की दुनिया में ले गई और वे कई सारे आध्यात्मिक केंद्रों में गए जहां पर उन्होंने बहुत सारी गतिविधियां देखी और जिनसे वे बहुत प्रभावित हुए। कलाम साहब का ये सफर जून 2001 से शुरू हुआ जहां पर वे स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज जी से मिले और इस मुलाकात में कलाम साहब ने स्वामी जी से विज्ञान और आध्यात्म के बारे में चर्चा की और कैसे हम आध्यात्म के माध्यम से राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। इसी वार्तालाप से जुड़े कुछ रोचक और महत्वपूर्ण प्रश्न कलाम साहब ने स्वामी जी से पूछे जिनका उत्तर स्वामी जी ने दिया। आइए जानते हैं कौन से थे वे प्रश्न और उनके उत्तर। कलाम साहब ने स्वामी जी से पूछा कि भारत को स्वतंत्र देखने के लिए हर भारतीय ने एकजुट होकर एक ही सपना देखा, वो था भारत की आजादी। सबने एक साथ एकाग्र होकर उस सपने को साकार भी किया और हमारा देश आजाद हो गया। आज हम सबको मिलकर कौन सा सपना देखना चाहिए? टेक्नोलॉजी और फोरकास्टिंग काउंसिल के 500 सदस्यों ने यह विचार भी किया है कि भारत का अगला स्वप्न क्या होना चाहिए और इससे जुड़े परिवर्तन लाने के लिए हमने 5 क्षेत्रों की पहचान की है। वो है शिक्षा तथा स्वास्थ्य शिक्षा, कृषि, सूचना और संचार, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। हम सरकार के समक्ष ये योजना तो प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बड़े सपने को पूरा करने के लिए मूल्यों से प्रेरित लोगों की टीम का निर्माण हम कैसे करें? स्वामी जी ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सुझाव दिया कि हमने जो सपना देखा है वो जरूर पूरा हो सकता है और इन 5 क्षेत्रों के अलावा एक और तत्व भी जरूरी है, वो है ईश्वर पर विश्वास और लोगों का आध्यात्मिक विकास।
हमें अपराध और भ्रष्टाचार से भरे वातावरण को बदलना होगा। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो धर्म ग्रंथों के मुताबिक चलें और ईश्वर पर भरोसा रखें। हमारे इन प्रयासों से काफी कुछ आसान हो जाएगा। स्वामी जी ने यह भी समझाया कि स्कूल्स और कॉलेजेस में एकेडमिक और साइंटिफिक ट्रेनिंग के साथ साथ छात्रों को स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, ताकि लोगों के अंदर बचपन से ही नैतिक मूल्यों का विकास हो और वे गुणवान बन सकें। कलाम साहब ने एक बहुत ही अहम प्रश्न पूछा कि सिर्फ सरकारी कानून लागू करने से ही अच्छे नागरिक नहीं उत्पन्न किए जा सकते। क्या आध्यात्मिक संस्थाएं ऐसा कर सकती हैं? क्या इन संस्थाओं द्वारा बच्चों के माता पिता को और शिक्षकों को ये संदेश दिया जा सकता है कि बच्चों को 15 वर्ष की उम्र तक सही मूल्यों को सीखने दें? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि ये बिल्कुल सच है, और हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि बच्चों को जीवन में मूल्यों की शिक्षा माता पिता को घर में, अध्यापकों को स्कूल में और गुरु को बाद के जीवन में देनी चाहिए। कुछ अन्य सवाल पूछने के बाद अंत में कलाम साहब ने स्वामी जी को बताया कि वे भारत के विकास के लिए विजन 2020 के नाम से एक ट्रस्ट बना रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने स्वामी जी का आशीर्वाद भी मांगा। स्वामी जी ने कलाम साहब को आशीर्वाद देते हुए कहा कि भारत में आर्थिक तथा आध्यात्मिक खुशहाली आए। जितनी मजबूत हमारी आध्यात्मिक पूंजी होगी, उतना ही मजबूत आधार अन्य किसी किस्म की पूंजी का होगा। सितंबर 2001 में कलाम साहब अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है, उनकी दरगाह पर गए। ख्वाजा साहब की शिक्षा और संदेश से कलाम साहब बहुत प्रभावित थे, और उन्होंने बताया कि हमें कुछ भी करने से पहले हमेशा अपने आप से ये जरूर पूछना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या उसमें हमें शांति मिलेगी। और जैसा कि डायर ने कहा था कि अगर अंदर से जवाब हाँ में आता है तो आप जरूर आगे बढ़ें, लेकिन अगर आपका जवाब ना में है तो अपने अहम भाव के बारे में सतर्क रहें, क्योंकि ये अहम ही है जो हमें अपनों से और परमात्मा से दूर कर देता है। इसी दौरान वे माँ अमृतानंदमयी से, रामकृष्ण मिशन के स्वामी निखिलेश्वरानंद जी से और कांची के शंकराचार्य से भी मिले, और इस दौरान उन्हें बहुत खूबसूरत अनुभव भी हुए। जब कलाम साहब सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में गए, तो वहां व्याख्या का विषय था कि कैसे हम अपने दिलों से नफरत हटाकर उसे प्यार से सींचकर अपने अहम का त्याग कर सकते हैं। वाकई अगर अहम का त्याग हो जाए तो इस जीवन का उद्देश्य ही पूर्ण हो जाएगा। कलाम साहब का आध्यात्मिक सफर उन्हें फरवरी 2002 में माउंट आबू में स्थित ब्रह्म कुमारीज आध्यात्मिक केंद्र ले गया, जहां पर ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में कलाम साहब की बातचीत कोरोनरी आर्टरी डिजीज नामक बीमारी से ग्रस्त मरीजों से हुई, और जिससे ये साबित हुआ कि मस्तिष्क और शरीर का मेल शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इस दौरान जितने भी आध्यात्मिक स्थलों में कलाम साहब गए, उन्हें एक ही संदेश मिला कि हमारे अंदर एक उच्च धरातल है, यानी हायर सेल्फ है, जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड यानी भौतिक संसार की सीमाओं से परे है। भारतीय इस उच्च धरातल से भलीभांति वाकिफ हैं। कई पीढ़ियों तक हमारे पूर्वज इसी धारणा को लेकर जीवन बिताते आए हैं, लेकिन आज हम में से कई लोग जो भौतिक संसार की गहराई में रम गए हैं, ये विचार उनके लिए महान और आध्यात्मिक है।
कलाम साहब बताते हैं कि हमारी आध्यात्मिक समझ ही हमारी ताकत है। एक राष्ट्र के तौर पर हमने बहुत सारे संघर्ष किए हैं, लेकिन इस दौरान कहीं ना कहीं हमने अपनी अपेक्षाओं को कम कर दिया है। हमें फिर से अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा और सदियों से चली आ रही विरासत और समझ से हमें अपने जीवन को समृद्ध बनाना होगा। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है और बढ़ते हैं हम अगले एपिसोड की तरफ। निष्पक्ष देशभक्ति। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के खूबसूरत शब्द हैं कि मुझे मुक्त हो ऊंचे आकाश में प्रतिष्ठित होने की परवाह नहीं है। मैं हजारों हजार नरक भी भोग सकता हूं, पर दूसरों की भलाई का काम अनवरत एक गिरते झरने की तरह करता रहूंगा, यही मेरा धर्म है। हम सबको मालूम है कि कलाम साहब एक सीधे सरल व्यक्ति थे और प्रकृति से उनका बहुत गहरा लगाव था। पैदल चलना उनके जीवन का अहम हिस्सा था और हर सवेरे वे 5 किलोमीटर पैदल चलते थे। उगते सूरज की ललिमा को देखना और चहचहाती चिड़ियां जब नए दिन का स्वागत करती थी तो ये नज़ारा देखकर वे मुग्ध हो जाते थे। वे प्रकृति के बहुत आभारी थे कि वे हमारे लिए कितने प्रयास करती है। अपने काम के सिलसिले में कलाम साहब को अलग अलग खूबसूरत जगहों पर जाने का मौका मिलता था। ऐसी ही एक खूबसूरत जगह है उड़ीसा में चांदीपुर। कोलकाता से बालासोर तक की दूरी 234 किलोमीटर है और उस शहर से 16 किलोमीटर दूर स्थित है चांदीपुर। यहाँ का समुद्र तट निश्चित ही भारत के खूबसूरत तटों में से एक है। उस समय इसरो के श्रीहरिकोटा रेंज में मिसाइल टेस्टिंग शुरू हो गई थी, लेकिन इस स्थल से अलग अपने खुद के परीक्षण स्थल यानी मिसाइल टेस्टिंग रेंज की आवश्यकता थी। सन 1989 में ITR इंटरिम टेस्ट रेंज यानी अंतरिम परीक्षण स्थल तैयार किया गया, जहां पर बहुत सारे रॉकेट्स तथा मिसाइल्स को टेस्ट फायर किया गया और लॉन्च किया गया। इतना ही नहीं, ITR में एयरबोर्न वेपन्स को भी टेस्ट किया जाता था और धीरे धीरे ITR एक वर्ल्ड क्लास रेंज बनता गया। सन 1995 में कलाम साहब और उनकी टीम को DRDO के मिसाइल के प्रभाव के परीक्षण के लिए एक खुली जगह चाहिए थी। टीम ने तय किया कि व्हीलर आइलैंड्स, जो भारतीय राज्य उड़ीसा के सागर तट से परे और राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मिसाइल के परीक्षण के लिए सही जगह थी। इसी सिलसिले में कलाम की मुलाकात उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर बीजू पटनायक जी से हुई। वे एक जबरदस्त व्यक्तित्व वाले प्रभावशाली नेता थे, एक पॉलिटिशियन और पायलट भी थे। इस मुलाकात के दौरान सरकारी औपचारिकताएं पूरी की गईं और बीजू पटनायक जी ने कलाम साहब को कहा कि अपने मिशन और मिसाइल प्रोग्राम के लिए उन्हें उड़ीसा से जो भी मदद चाहिए वे उन्हें सब देंगे। इस अध्याय में कलाम साहब ने श्री बीजू पटनायक की और इंडोनेशिया के पहले प्रेसिडेंट सुकर्णो की दोस्ती के बारे में भी जिक्र किया है। दरअसल 40 साल पहले इंडोनेशियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिलेर बीजूदा को अपने जहाज में, जिसको वे खुद उड़ाकर ले गए थे, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्णो, जो उस समय वहां युद्ध लड़ रहे थे, उन्हें लाने के लिए भेजा था। उस समय सुकर्णो जो हाल ही में पिता बने थे और उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखने के लिए बीजूदा से अनुरोध किया। बीजूदा ने उस समय आसमान में छाए बादलों को देखा, जो उस समय मानो बच्ची के जन्म पर बधाई देने के लिए घिर आए थे। उन्हीं बादलों को देखकर बीजूदा ने उस नन्ही बच्ची का नाम मेगावती रखा और इस तरह दुनिया के सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश के नेता की बेटी का हिंदू नाम रखा गया। इस बात पर कलाम साहब ने बताया कि महान लोगों के लिए धर्म,
दोस्ती कायम करने का एक तरीका है जिससे वे आपसी प्रेम और मैत्री संबंध बढ़ाते हैं। लेकिन छोटी सोच वाले लोग उसी धर्म का इस्तेमाल कर उसे लड़ने का एक हथियार बना लेते हैं। आज हमारे देश में बीजू दा जैसे नेता नहीं है जिनके पास ना सिर्फ बुलंद आवाज थी बल्कि ऐसी दृष्टि और वो पहुंच थी जो हमारे देश की सीमाओं को भी पार कर जाती थी। 1 अरब से भी ज्यादा आबादी वाले भारत में आज इतने उद्योग फल फूल रहे हैं, वैज्ञानिक प्रतिभाओं का अंबार है और इन सबसे बढ़कर परमाणु शक्ति भी है, लेकिन फिर भी आज इस देश का वो रुतबा नहीं है जो होना चाहिए था। पोखरण परमाणु परीक्षणों के बारे में कलाम साहब ने कहा कि आज अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के पास परमाणु हथियार यानी न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे 2 पड़ोसी देशों के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स हैं। ऐसे में भारत पीछे क्यों रहे? कलाम साहब ने ये भी बताया कि कई हजारों सालों तक भारत पर दूसरे देशों ने कई हमले किए और भारतीय ये सब सहते रहे, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ तो भारत को एक नया जीवन, एक नई उम्मीद मिली। अपने देश की ताकत को जताने का एकमात्र तरीका है उसकी रक्षा करने की क्षमता का होना। ताकत ही ताकत का सम्मान करती है और ताकत का मतलब है सैन्य बल और आर्थिक संपन्नता। अगर भारत के पास ये सब है तो भारत एक शक्तिशाली देश है। कलाम साहब लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि हमारे पास असीम क्षमता है और हमें अपनी क्षमता से बढ़ चढ़कर काम करना चाहिए। अगर किसी भी देश को उच्चतम उन्नति करनी है तो उन्हें महान नायकों, उनकी गाथाओं, उनके द्वारा किए गए साहसिक कार्यों को और उनकी विजय की स्मृतियों को जीवंत बनाकर रखना चाहिए। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत को उसके गौरव के साथ उसके अतीत को आधार मानकर स्वीकार करना चाहिए, तभी हम एक शांत और समृद्ध भारत देख पाएंगे। सदियों से भारत की एकता की मिसाल दी जाती है, आज उसी एकता की भावना को हमें अपने दिलों में फिर से लाना है, उन विचारों से बचना है जो जनता को विभाजित करना चाहते हैं। धर्म के बारे में कलाम साहब ने समझाया कि किसी भी धर्म के बारे में जानना बहुत अच्छा है, लेकिन जब धार्मिक स्वरूप को धार्मिक भावनाओं पर लादने की कोशिश की जाती है तो देश विभाजित होने लग जाता है। अगर हम अपनी विरासत के लिए धर्म की बजाय संस्कृति पर ध्यान दें तो वो हम सबको एक करेगी। अब समय आ गया है कि हम भेदभाव बंद कर अपने राष्ट्र के लिए ऐसी दृष्टि विकसित करें जो एकता ला सके। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है और बढ़ते हैं हम अगले एपिसोड की तरफ। ज्ञान एक ऐसा हथियार है जो विनाश से बचाता है। ये ऐसा आंतरिक किला है जिसे दुश्मन भी नहीं भेद सकते। ये खूबसूरत पंक्तियां ली गई हैं तिरुक्कुरल से। दोस्तों, इस अध्याय में कलाम साहब बताते हैं कि अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम अपने लिए और अपने देश के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। प्राचीन काल से ही भारत भूमि को ज्ञानियों की भूमि कहा जाता है। कालांतर में हमलों ने और औपनिवेशिक शासन ने यानी कॉलोनियल रूलर्स और ब्रिटिशर्स ने भारत की संस्थाओं और योग्यताओं को नष्ट कर डाला, और जब तक ब्रिटिशर्स ने भारत छोड़ा तो हमारे देश के युवाओं के पास जो कुछ भी बचा था वे बस उसी में ही संतुष्ट रहने लगे और कहीं ना कहीं वे अपने लक्ष्य से भी पीछे हट गए। हमें ये विश्वास अपने अंदर फिर से जगाना है कि भारत मूलतः ज्ञान की भूमि है और उसे अपने इस पहलू से नए सिरे से खोज करनी चाहिए, और एक बार हमने ये खोज कर ली तो जीवन की गुणवत्ता तथा विकसित राष्ट्र की ताकत को पाने के लिए हमें ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। इस अध्याय में कलाम साहब हमें समझाते हैं कि ज्ञान हमें कैसे और कहां से मिलता है, ज्ञान का सूत्र क्या है।
अगर हम सब अपने जीवन पर ध्यान दें तो बचपन से ही हम ज्ञान लेते आ रहे हैं। पहले हमारे माता पिता ने हमें ज्ञान से सींचा, फिर हम स्कूल गए, वहां शिक्षकों ने हमें ज्ञान का पाठ पढ़ाया। ज्ञान पाने के और कितने सारे जरिए हैं, जैसे पुस्तकालयों से, शोध पत्रों से, गोष्ठियों तथा विभिन्न संगठनों से इत्यादि। हालांकि ज्ञान का शिक्षा से बहुत गहरा नाता है, लेकिन वो सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं रह गया है। ज्ञान कलाकारों, दस्तकारों, हकीमों, वैद्यों तथा संतों और यहाँ तक कि हमारी गृहिणियों से भी प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि जब एक कलाकार या वैद्य या फिर गृहिणी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो हमें इनसे कितना कुछ सीखने को मिलता है। हमारे देश के लोगों में और हर राज्य में ज्ञानवान समाज के लिए उसकी अपनी अनूठी और अद्भुत क्षमता मौजूद है। 21वीं शताब्दी में एक नए समाज का उदय हो रहा है, जहां पूंजी और श्रम की बजाय ज्ञान ही प्राथमिक उत्पादन का संसाधन है। पहले से ही मौजूद ज्ञान के इस आधार का कुशल इस्तेमाल हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रगति के अन्य संकेतकों के रूप में पूंजी पैदा कर सकता है। कलाम साहब ने यह भी बताया कि ये कैसे पता लगाएं कि कोई देश ज्ञानवान समाज की कसौटी पर खरा उतरा है या नहीं। बस आप ये देख लीजिए कि वो ज्ञान के सर्जन यानी नॉलेज क्रिएशन और उसके उचित इस्तेमाल के क्षेत्र में कैसे कार्य कर रहा है। एक ज्ञानवान समाज के दो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं। पहला, सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन यानी सामाजिक परिवर्तन। लोगों के सोचने और काम करने के तरीकों से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और कृषि के क्षेत्र में आते हैं और इन्हीं से ही रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। उच्च उत्पादकता और ग्रामीण समृद्धि भी होती है। दूसरा पहलू है वेल्थ जनरेशन यानी धन निर्माण के कार्यों को राष्ट्रीय क्षमताओं से जोड़कर देखा जाना चाहिए। प्रमुख क्षेत्र जो ज्ञानवान समाज बनने की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करेंगे वो हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, वेदर फोरकास्टिंग, सर्विस सेक्टर इत्यादि। भारत ने जिस प्रकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में खास जगह बनाई है, उससे ये साफ जाहिर है कि वह जल्द अपने आप को एक ज्ञानवान समाज में बदलने के अवसर का लाभ उठा सकेगा। इस अध्याय में कलाम साहब एक और अहम तत्व पर रोशनी डालते हैं जो भारत के विकास के लिए बहुत जरूरी है, और वो है ग्रामीण क्षेत्र, जहां पर अभी भी इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जो कि शहरों में हैं। शहर और गांव के जीवन स्तर में काफी अंतर है, इसी वजह से लोग अपने अपने गांव को छोड़कर शहरों में बसने चले जाते हैं। आदर्श स्थिति तो ये होनी चाहिए कि ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों को समान रूप से आकर्षित करने वाला होना चाहिए, ताकि ऐसी स्थिति ही ना आए। और उसका एक ही समाधान है, वो है ग्रामीण विकास, यानी ग्रामीण क्षेत्रों को भी वही सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जो अभी शहरों तक ही सीमित है। इन सुविधाओं से गांव में भी शहरों के समान रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और दूसरा, इन सुविधाओं को आसानी से और कम कीमत में उपलब्ध कराना। जब बात हो रही है ग्रामीण विकास की, तो सिर्फ इतना ही नहीं, इन सुविधाओं के साथ गांव की सड़कें बनवाना और एक मुद्रिका सड़क यानी रिंग रोड के जरिए कुछ गांव को आपस में जोड़ने में तथा उस पर परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सकता है। अन्य सुविधाएं जैसे स्कूल, अस्पताल तथा अन्य सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराना वाकई ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर में सुधार लाने के साथ साथ शहरी इलाकों में भीड़ को कम कर सकता है। इस यात्रा के दौरान कलाम साहब
अलग अलग कंपनीज में भी गए, जैसे टाटा, टेल्को, विप्रो इत्यादि। जब वे टेल्को कंपनी में गए तो वहां पर कंपनी के डिजाइन्स, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग प्लांट्स देखकर वे बहुत खुश हुए और उन्हें एहसास हुआ कि भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिन भर दिन कितना विकसित हो रहा है। जब कलाम साहब विप्रो के अध्यक्ष अजीम प्रेम जी से मिले तो उन्होंने प्रेम जी से पूछा कि कैसे व्यापार की दुनिया में विप्रो ने इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया। प्रेम जी ने इस प्रश्न का बहुत ही विलक्षण उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि तीन पहलू हैं जो उनके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहला कि पीढ़ियों तक पसीना बहाना और हमारी टीम्स की कड़ी मेहनत। दूसरा पहलू है ग्राहक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारा मकसद ग्राहक के लिए संतुष्टि जुटाना होता है। तीसरा कुछ हद तक किस्मत भी होती है, लेकिन अगर पहले दो पहलुओं पर काम नहीं किया जाए तो तीसरा यानी किस्मत भी कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों अंत में कलाम साहब ये बताते हैं कि कोई भी राष्ट्र महान वहां के रहने वाले लोगों से बनता है। जब लोगों के विचार उच्चतम होंगे और जब वे प्रयास करके अपने देश की प्रगति के लिए काम करते हैं तो वे महत्वपूर्ण नागरिक बन जाते हैं। हमारा देश जिसमें 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की आबादी है, जो कि एक बहुत बड़ी ताकत है, वे अपने प्रज्वलित दिमाग से क्या कुछ नहीं कर सकते। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है और बढ़ते हैं हम अपने अगले एपिसोड की तरफ। ताकतों को एकजुट करना। दोस्तों अब्राहम लिंकन का एक खूबसूरत कोट है, तय करें कि काम किए जा सकते हैं और कर लिए जाएंगे, फिर हम उन्हें करने का तरीका तलाशेंगे। इस अध्याय में कलाम साहब ने 5 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें भारत के पास कोर कॉम्पिटेंसी है, यानी प्रमुख योग्यता मौजूद है और जो भारत को विकसित करने में मदद कर सकता है। पहला क्षेत्र है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, यानी खाद्यान्न, जहां पर हमें 360 मिलियन टन खाद्यान्न और कृषि उत्पाद का लक्ष्य निर्धारित करना होगा और इससे भारत के ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि और आर्थिक उन्नति होगी। दूसरा क्षेत्र है बिजली। पूरे देश में बिजली की आपूर्ति की बहुत आवश्यकता है। तीसरा क्षेत्र है शिक्षा और स्वास्थ्य। इन दोनों ही क्षेत्रों का आपस में गहरा नाता है। उदाहरण के तौर पर आप केरल शहर को ही लीजिए। हाई लिटरेसी रेट और हेल्थ केयर सुविधाओं की वजह से केरल में पॉपुलेशन ग्रोथ में कमी आई है और साथ ही में वहां के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी काफी सुधार आया है। चौथा क्षेत्र है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भारत का एक मजबूत क्षेत्र है। धन की उत्पत्ति के साथ साथ ये शिक्षा का प्रसार करके पिछड़े इलाकों में भी बदलाव लाने की ताकत रखता है। पांचवा क्षेत्र है स्ट्रैटेजिक सेक्टर, यानी सामरिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में न्यूक्लियर, स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी में पर्याप्त प्रगति हुई है। अगर इन 5 क्षेत्रों की गतिविधियों को संगठित कर दिया जाए तो खाद्यान्न, आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। कलाम साहब ने कृषि क्षेत्र और किसानों से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही दिलचस्प तथ्य बताया। सन 1998 के खरीफ के मौसम के दौरान प्रसिद्ध एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट प्रोफेसर एस.के. सिन्हा के साथ टाइफेक, यानी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल ने सेंट्रल बिहार और ईस्टर्न इंडिया में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की योजनाएं बनाई, जिसमें एक क्षेत्र के 6 और दूसरे के 9 गांवों को चुना गया और इस कार्य प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी विश्लेषण यानी सॉयल एनालिसिस, बीजों का चुनाव, बीज बोने का मौसम तथा किसानों की ट्रेनिंग भी शामिल की गई। वैज्ञानिक तथा किसानों के इस गहन प्रयास ने
धान की पैदावार में प्रति हेक्टेयर 2.5 टन से बढ़कर 5 टन प्रति हेक्टेयर हो गई। इतना ही नहीं, कुछ गांव में जहां जहां पर ये प्रणाली लागू है वहां पर किसानों को नए मुद्दों जैसे तेज फसल कटाई के उपकरणों, मार्केटिंग तथा बैंकिंग प्रणाली में रुचि लेते देखा। एक अन्य प्रयोग रीच यानी रेलेवेंस एंड एक्सेलेंस इन अचीविंग न्यू हाइट्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, अर्थात नई ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए शिक्षा को प्रासंगिक तथा श्रेष्ठ बनाना भी इन दिनों जारी है। इस अभियान का उद्देश्य है 80 से 100 ऐसे केंद्र स्थापित करना जिनमें एक समान शैक्षिक कार्यक्रम लागू हो जो एक्सेलेंस के प्रति कमिटेड हो। दोस्तों, भारत में टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि वो सिर्फ कृषि क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि चिकित्सा क्षेत्र ने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया है। इसका उदाहरण देते हुए कलाम साहब ने बताया कि जब वे हैदराबाद के केयर हॉस्पिटल में गए तो वहां पर टेलीमेडिसिन के द्वारा पेशेंट्स को कंसल्ट किया जा रहा था। हैरानी की बात ये थी कि डॉक्टर और पेशेंट्स आमने सामने ना होकर दो अलग अलग जगह पर थे और उन्होंने सैटेलाइट के जरिए बात की। टेलीमेडिसिन से ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को जोड़कर आसानी से चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। कलाम साहब ने विकसित देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बताया है कि धन उपजाना और धन की सुरक्षा दरअसल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी भी राष्ट्र की दौलत वहां के लोगों के खून पसीने और उनकी कड़ी मेहनत का प्रतीक होती है और एक राष्ट्र की स्थायी दौलत और उसके विकास के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच यानी संगठित दृष्टिकोण की जरूरत है और ऐसा ही दृष्टिकोण अन्य गतिविधियों के मामले में भी जरूरी है। एक विकसित राष्ट्र के लिए कलाम साहब ने एक अन्य पहलू पर भी रोशनी डाली है और वो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस यानी उद्योगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी होना और इसके तहत ना सिर्फ घरेलू बाजारों की जरूरत को पूरा करना है बल्कि बाहरी बड़ी मार्केट्स को भी अपना लक्ष्य बनाना होगा। इसीलिए जीडीपी में इसका योगदान भी काफी बड़ा है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो हमारी शिक्षा प्रणाली में काफी हद तक असमानता है। हम में से बहुत से लोग उच्च शिक्षा पाने की आकांक्षा तो रखते हैं लेकिन क्वालिटी एजुकेशन देने वाले इंस्टीट्यूशंस बहुत कम हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी मैन पावर की डिमांड और सप्लाई में काफी असमानता पैदा हो सकती है और जो नए उभरते क्षेत्रों में साफ दिखाई देती है जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इत्यादि। इसका समाधान ये हो सकता है कि उन संस्थानों को बढ़ावा दिया जाए जो उद्योग तथा समाज के लिए चुनिंदा विषयों में विशेषज्ञता रखते हैं। कुछ ऐसे भी संस्थान हैं जो इस क्षेत्र में पहले से ही अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं और वो नए संस्थानों के लिए आदर्श बन सकते हैं। देश की युवा पीढ़ी को कलाम साहब ने संदेश देते हुए बताया कि युवा पीढ़ी को पारदर्शी भारत के निर्माण के लिए ठीक वैसा ही आंदोलन शुरू करना चाहिए जैसा कि हमारे पूर्वजों ने आजादी पाने के लिए किया था। पारदर्शिता देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। अंत में कलाम साहब बताते हैं कि कार्यक्रमों तथा नीतियों को सफल बनाने के लिए उन्हें मिशन भाव से लागू करना चाहिए। झटपट कभी भी प्रगति नहीं होती और अगर रास्ता ठीक ना हो तो ये दूर भी छिटक सकती है। हमारे पास जो प्रचुर मात्रा में संसाधन हैं उनका पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है और बढ़ते हैं हम अगले एपिसोड की तरफ। नए राज्य का निर्माण।
यदि मुझसे पूरे संसार में से उस देश को चुनने को कहा जाए जहां प्रकृति ने सबसे अधिक संपदा, शक्ति और सौंदर्य बिखेरा है, जिसके कुछ भाग तो ऐसे हैं मानो धरती पर ही स्वर्ग उतर आया हो, तो मैं निस्संदेह भारत को चुनूंगा। ये खूबसूरत शब्द हैं मैक्स म्यूलर के। वाकई क्या खूब कहा है भारत देश के बारे में। दोस्तों, कलाम साहब बताते हैं कि 2001 में जब उन्होंने ये पुस्तक लिखनी शुरू की थी, तब उन्होंने इस पुस्तक की शुरुआत झारखंड की यात्रा से की थी। उन्हें इस राज्य का साइंस और टेक्नोलॉजी काउंसिल का सहायक बनाया गया था और इस बार की यात्रा का उनका मकसद था इस क्षेत्र के जड़ी बूटियां, वन उत्पादों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों वाले इस क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकर विकास कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार करना। कलाम साहब पहले भी रांची से 75 किलोमीटर दूर स्थित पहाड़ी इलाके में शिक्षा और स्वास्थ्य के एक कार्यक्रम में गए थे। वहां पर विकास के सभी अंश मौजूद थे, जैसे उपजाऊ भूमि, लंबे पेड़ और भरपूर वनस्पति, और इससे भी ज्यादा एक बहुत खूबसूरत बात जो ध्यान देने वाली थी वो ये कि वहाँ के लोगों की हंसी दिल से निकल रही थी और उनके अंदर मेहनत करने की ऐसी प्रबल इच्छा थी जो खुद में एक प्रेरणा थी। शहरों में आजकल शायद ऐसी हंसी लोगों के चेहरों से विलुप्त हो गई है। दरअसल झारखंड राज्य फूल उत्पादन तथा जड़ी बूटियों पर आधारित उत्पादों के क्षेत्रों में जबरदस्त सफलता हासिल कर सकता है। रांची के बाद कलाम साहब हेलीकॉप्टर से स्टील सिटी बोकारो के लिए रवाना हुए और एक बार फिर से खराब मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सौभाग्यवश इस बार भी ईश्वर की कृपा से उन्हें कुछ नहीं हुआ, जिसके वे शुक्रगुजार थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कलाम साहब समय को बहुत मोल देते थे और इस दुर्घटना के बाद बजाय थोड़ा आराम करने के वे सीधा दुर्घटना स्थल से रवाना हो गए और रामकृष्ण विद्यालय के छात्रों को संबोधित करने चले गए। वहां पर बच्चों ने उनका स्वागत किया। कलाम साहब ने उन बच्चों को उनके राज्य का खूबसूरत विवरण दिया। कलाम साहब ने बताया कि इस राज्य पर ईश्वर की जबरदस्त कृपा है। धरती के अंदर अपार खनिज संपदा, उपजाऊ जमीन, स्टील प्लांट, क्या नहीं है इस राज्य में। उन्होंने बच्चों से कहा कि ईश्वर की दी गई इस खूबसूरत धरोहर का इस्तेमाल आप सब झारखंड को एक विकसित राज्य बनाने में कर सकते हैं और इसके लिए आप सबको एक साथ मिशन मोड में काम करना होगा। कलाम साहब ने ना सिर्फ बच्चों को संबोधित किया बल्कि टाउन हॉल मीटिंग में भी लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए। उसी बैठक में कलाम साहब से एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल पूछा गया और प्रश्न था, क्या आप सोचते हैं कि राजनीति में पवित्रता संभव है? इस सवाल का जवाब कलाम साहब के लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा और फिर खूबसूरती से बड़ा प्रेरणादायक जवाब दिया कि आज़ादी से पहले एक पूरी पीढ़ी का उदय हुआ था जिन्होंने राजनीति, उद्योग, विज्ञान, कला आदि में अपनी योग्यता दिखाई थी, जैसे महात्मा गांधी, सीवी रमन, जेआरडी टाटा, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। खैर, ये एक लंबी सूची है। उस समाज के हर क्षेत्र में एक श्रेष्ठता दिखाई पड़ती थी क्योंकि उस समय उन हालातों में भारत ने श्रेष्ठ बनने का सपना देखा था और भारत ने वो सपना पूरा भी किया। कलाम साहब का ये मानना है कि आज अगर देश फिर से दूसरा सपना देखे तो राजनीति समेत सभी क्षेत्रों में हमारी महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप नेता भी फिर सामने आएंगे।
कलाम साहब जब देश के सबसे बड़े स्टील प्लांट बोकारो का दौरा करने गए और जिसका आकार देखकर वे हैरान हो गए। वहां सैकड़ों आदमी अपना पसीना बहा रहे थे और संगठित तरीके से काम कर रहे थे। वहां पिघलता इस्पात ऐसे बह रहा था मानो आग का दरिया हो, लेकिन इसके आसपास अन्य औद्योगिक इकाइयां नहीं थी जो यहाँ तैयार स्टील से विभिन्न उत्पाद तैयार करती। कलाम साहब को बताया गया कि इंडस्ट्रियल इस्टेट्स स्टेट परव्यू के अंडर आता है, यानी औद्योगिक क्षेत्रों का गठन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये सुनकर कलाम साहब को लगा कि हमारे शासन की ऐसी सोच क्यों है। जब तक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के जरिए और बड़े नेशनल मिशंस के तहत विकास की दिशा को स्टेट बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी राज्य आधारित उद्योगों की तरफ नहीं मोड़ी जाएगी, तब तक वास्तविक समृद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। झारखंड से वापस आते हुए वे सोचने लगे कि इस राज्य की मदद किस प्रकार की जाए। इस राज्य में ऐसे अभियानों की जरूरत है जो एक निर्धारित समय में राज्य का कायाकल्प बदल दें। एक प्रयास की जरूरत है जहां केंद्र और राज्य को मिलकर काम करना चाहिए। क्या ऐसा संभव हो सकता है? इसी सोच विचार में डूबे कलाम साहब अपने उन दिनों को याद करने लगे जब उन्होंने SLV-3 पर काम किया था। अपने जीवन में कलाम साहब ने बहुत सारे स्पेस और डिफेंस के मिशन मोड प्रोग्राम्स पर काम किया था और इन प्रोग्राम्स का एक उद्देश्य होता है जिनको एक निर्धारित समय पर पूरा करना होता है। कलाम साहब का ये मानना था कि विभिन्न भागीदार जैसे सरकारी विभाग, उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच गहन भागीदारी से कम कीमत पर तेज रफ्तार से विकास किया जा सकता है और यही सच दूसरे प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स पर भी लागू होता है। लेकिन हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्या हम जोखिम भरे मार्ग पर चलने से डरते हैं या फिर मिशन मोड प्रोग्राम्स की जिम्मेदारी लेने से डरते हैं? कलाम साहब ने बताया कि एक मिशन को पूरा करने के लिए खुद अपनी ही स्थिति को जोखिम में डालकर शुरुआत करें। जब भी जीवन में चुनौतियां आती हैं तो अपने साथ वे नए अवसर भी लाती हैं। यही चुनौतियां हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती हैं। हमारे दिमाग में नए नए विचार उत्पन्न होते हैं और हमारे काम करने की क्षमता भी बढ़ती है। कलाम साहब ने आगे बताया, या तो आप सफल होंगे या फिर असफल। अगर असफल होते हैं तो भी हमारे पास वो अनुभव हमेशा रहेगा जो भविष्य में हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। उससे भी ज्यादा एक अहम बात है कि अपनी तमाम उम्मीदों और अपेक्षाओं के साथ हमें अपने अंदर सफलता के विचार पैदा करने चाहिए और सफलता हमारे कदम जरूर चूमेगी। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है और बढ़ते हैं हम अगले एपिसोड की तरफ। देशवासियों के लिए संदेश। जहां मस्तिष्क आशंकाओं से परे है और सर है ऊंचा, जहां ज्ञान मुक्त है, जहां विश्व नहीं है खंडित, मेरे पिता ऐसे मेरे देश को जागृत करो। ये खूबसूरत शब्द हैं रविंद्रनाथ टैगोर के। इस अध्याय में कलाम साहब ने कल्पना की ताकत का जिक्र किया है, यानी पावर ऑफ इमेजिनेशन। ये ताकत हर प्रकार की रचनात्मक प्रक्रिया का मूल तत्व है और जीवन का तत्व भी यही है। इस ताकत से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। हर इंसान के पास कल्पना की ताकत होती है जिससे वह सुंदर कल्पना करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। यही वो ताकत है जो विजेता और पराजित के बीच का अंतर है। कलाम साहब बताते हैं कि वे आने वाले 20 वर्षों में एक ऐसे भारत का सपना देखते हैं जो साक्षर हो और जो गरीबी के चंगुल से आजाद हो। ऐसा भारत
जिसके शासन तंत्र पर श्रेष्ठ नेता विराजमान हो। लेकिन इस सपने को साकार कैसे बनाया जाए? दोस्तों, हम सब ने एक शब्द विजन के बारे में जरूर सुना होगा। विजन यानी भविष्य को देखने की क्षमता। आप अपने भविष्य को कैसे देखना चाहते हैं? जाहिर सी बात है, हम सभी एक खूबसूरत और खुशहाल भविष्य देखना चाहते हैं। लेकिन उस आने वाले भविष्य के लिए आपने कौन सी योजना बनाई है, और अगर बनाई है तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको कितने साल लगेंगे, क्या आपने कभी सोचा है? अगर किसी ने अपने लिए कोई विजन ही नहीं देखा है तो निश्चित ही वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। एक अच्छे लीडर की सबसे पहली खूबी यही है कि वे अपने और पूरी संस्था के लिए एक खूबसूरत विजन देखता है। कलाम साहब भी एक ऐसे ही महान लीडर थे जो एक खूबसूरत विजन देखने में विश्वास रखते थे। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से समझाया कि विजन एक ऐसी शक्ति है जो खुद हमारे अंदर से उत्पन्न होती है। यही वो शक्ति है जो हमें श्रेष्ठता की तरफ ले जाती है। उनके जीवन में कई बार चुनौतियां आईं, लेकिन इस एक शक्ति ने उन्हें बहुत प्रभावित किया है। इसी शक्ति की वजह से महान लोगों ने प्रेरित होकर ये साबित किया है कि भारत क्या कुछ नहीं कर सकता। क्या आज हम ऐसे कार्यों को जारी रखने की स्थिति में हैं, और क्या हम उसी इच्छा शक्ति को दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं? क्या हम कभी भारत में डिजाइन करी हुई और बनाई गई गाड़ियां फ्रैंकफर्ट या फिर सियोल की सड़कों पर दौड़ती हुई देख पाएंगे? और क्या हम भारत को अमेरिका, जापान तथा चीन के लिए बिजली घरों का निर्माण करते देख पाएंगे? कलाम साहब आगे कहते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें अपने लक्ष्य भी बहुत बड़े रखने होंगे। कलाम साहब ने इंडियन मार्केट की स्थिति को समझाते हुए कहा कि हम आज सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में तो प्रगति कर रहे हैं, लेकिन हार्डवेयर इंपोर्ट हो रहा है। क्या इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं? ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें अभी हमें और आगे बढ़ना है। हमारे पास मानव शक्ति है और उच्च योग्यता है। क्या नहीं है हमारे पास? फिर भी हम पीछे क्यों हैं? कलाम साहब पूछते हैं कि हमें इन चुनौतियों से जूझने के लिए कौन रोक रहा है? इसके लिए हमें हमारी एक समन्वित कार्य योजना का पालन करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, संस्थानों और उद्योगों के निजी हितों को छोड़कर अपने काम करने के तरीकों को एक नया आयाम देना होगा। कलाम साहब ने ये भी बताया कि आज कुछ राज्य दूसरे राज्यों से ज़्यादा विकसित हैं, जैसे बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद। ये सभी राज्य व्यापारिक गतिविधियों का गढ़ बन चुके हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमें काफ़ी सफलता मिली है और इसमें पूंजी निवेश भी हुआ है, लेकिन अगर कुल मिलाकर देखें तो इतनी प्रगति काफ़ी नहीं है। अगर हम बात करें त्रिपुरा, असम जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की और झारखंड की, तो अपनी यात्रा के दौरान कलाम साहब ने पाया कि इन राज्यों के पास असीम क्षमता है, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक के बारे में कलाम साहब ने बताया कि शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में विकास के लिए धन उपलब्ध कराने पर काफ़ी कुछ हासिल किया जा सकता है। कलाम साहब हम सबको अपील करते हुए कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल फोरम्स, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इन सब में तो डिबेट्स और डिस्कशंस ही होती हैं। हमने आपस में भी बहुत तर्क कर लिया है, हाइपोथेसिस और थियोरीज भी लिख डाली हैं, लेकिन फिर भी हमारी प्रगति नहीं हुई। वे चाहते हैं कि अब हम सब जिम्मेदारी लें, और आज हम जिन परिस्थितियों में हैं हम उसके लिए दूसरों को दोषी ना ठहराएं।
और ऐसे में हम उन फायदों का आनंद ले सकते हैं जो सबके प्रयास करने पर प्राप्त होते हैं। कलाम साहब ने इस किताब के जरिए हम सबको ये समझाने की कोशिश की है कि हम सबके भीतर एक उच्च धरातल है जिसके प्रति हमें जागरूक होना है और स्वयं को एक विकसित राष्ट्र के नागरिक के रूप में देखना है। भारत की आजादी के लिए दशकों तक संघर्ष किया गया था और हमें हर हाल में इसकी रक्षा करनी चाहिए। हमारे देश की सुरक्षा तथा समृद्धि हमारे लिए सबसे अहम है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में हुई प्रगति को ग्रामीण जीवन को बदलने के लिए व्यापक स्तर पर इस्तेमाल में लाया जाए। कलाम साहब ने यह भी बताया कि आईटी समुदाय ने अपने बुद्धि कौशल के बल पर भारत को दुनिया में ऊंचा स्थान दिलाया है और इसी आईटी क्षेत्र को इस्तेमाल कर राष्ट्र को ज्ञानवान समाज के रूप में बदलना चाहिए। इतना ही नहीं, कृषि क्षेत्र में भी बदलाव लाने का समय आ गया है। जैसे कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतरना और बराबरी करना, इसके लिए हमें नए कार्यालय तैयार करने की जरूरत है जिससे किसानों को और भी मदद मिलेगी। भारत